लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नई मुंबई में 3 दिनों की उत्पाद प्रदर्शनी लगाई गई है। केंद्रीय सरकार की मदद से आयोजित इस प्रदर्शनी में आज बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने भेंट दिया और यहां के उत्पादों का जायजा लिया। उन्होंने यहां पेश किए गए घरेलू उत्पादों की गुणवत्ता और कीमत की सराहना की। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने प्रदर्शनी को बाजार और रोजगार उपलब्ध कराने का जरिया बताया और नई मुंबई करों से इसका लाभ उठाने का भी आह्वान किया। देखिए रिपोर्ट। नई मुंबई के वाशी में आयोजित यह नई मुंबई उत्सव 2022 है, जहां आगामी उत्सवों की जरूरतों को देखते हुए फर्नीचर, होम डेकोरेशन, खाद्य पदार्थ और तमाम ऐसे घरेलू उत्पाद उपलब्ध कराए गए हैं जो आपकी खरीदारी को आसान बनाते हैं। आज बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व मेयर सागर नाइक और वरिष्ठ नेता दशरथ भगत के साथ इस प्रदर्शनी में भेंट दिया और यहां पेश किए गए घरेलू उत्पादों की गुणवत्ता और कीमत की सराहना की। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने लघु एवं कुटीर उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए यह प्रदर्शनी लगाने वाले जीवेश सचदेव और गुलशन तलवार की सराहना की। उन्होंने इसे बाजार और रोजगार उपलब्ध कराने का जरिया बताया और नागरिकों से इसका लाभ उठाने का भी आह्वान किया। जिस जरिए अभी गणपति का मेरे त्योहार आ रहा है, उसके बाद में दशहरा आएगा, दिवाली आएगा, तो लोग मॉल बिल में खरीदी करने जाते हैं, लेकिन मॉल में बहुत सारे जो चीज़ें मिलती हैं उस पर प्लस 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 कीमत बढ़ती जा रही है। इसमें प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एक कॉन्सेप्ट है जो MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के माध्यम से केंद्र सरकार की भी इसमें सपोर्ट है। और आज ये जो जीवेश सचदेव और गुलशन तलवार, इन्होंने ये एग्जीबिशन का आयोजन किया है। आज शुक्रवार है, शनिवार, इतवार, सोमवार, 4 दिन का ये पीरियड रहेगा। छुट्टी का माहौल है, बहुत सारे लोग आके अपनी ज़रूरत की चीज़ें ऐसे खरीदी करके जाएंगे और उनको भी फायदा होगा और एक तरह का यानी एन्जॉयमेंट के साथ में खरीदी। और जो प्रोड्यूसर है माइक्रो लेवल पे, स्मॉल लेवल पे और मीडियम लेवल पे, वो लोगों को बढ़ावा देने का जो केंद्र सरकार का जो इरादा है, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने इस देश के हर हाथ को काम देने का इरादा किया है और उसके माध्यम से देश के अर्थकरण को गति देने का उन्होंने सोचा है, GDP बढ़ाने का सोचा है, तो ऐसी स्थिति में लोग कार्यमग्न रहेंगे, कुछ अच्छा निर्माण करेंगे, रोजगार मिलेगा और उससे आनंद भी मिलेगा। देखिए अच्छा लगा और लोग जो भी आए हैं लोगों को अपनी कला दिखाने के लिए, अपना थोड़ा छोटा मोटा व्यापार करने के लिए, उनके चेहरे पे आत्मविश्वास मुझे दिखा। और यहाँ पे जिन्होंने आयोजन किया है ये हमारे ऐसे परिचित ही हैं, तलवार जी हैं और सचदेव जी हैं, इनको मैं शुभकामना देता हूँ कि ऐसे ही हर साल में वक्त वक्त पे ऐसे एग्जीबिशन का निर्माण करो और लोगों को आगे बढ़ने का मौका दो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।